हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मीठे खुरमे बनाना। तो आइए बनाते हैं मीठे खुरमे। मीठे खुरमे बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम मैदा लिया है और ये 500 ही ग्राम हमने चीनी ली है और ये हमने घी लिया है। ये हमने गगन घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम सबसे पहले आटे में मोन डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी लिया है, ये गुनगुना है घी हमारा। अब मैं इसमें से आधा घी इस्तेमाल करूंगी और इसे हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। और इसमें मैं चौथाई चम्मच नमक डाल रही हूं। नमक डालना ऑप्शन है इसमें। अब मैं बचा हुआ ये घी डाल दूंगी सारा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारे आटे की मुठियां बनने लगी हैं। ये बिल्कुल आटा सही तरह से मिक्स हो चुका है घी के अंदर। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी भी हमें गुनगुना ही इस्तेमाल करना है इसमें। अब मैंने एक कटोरी ही पानी लिया है। जिस कटोरी में मैंने घी लिया है वही कटोरी मैंने पानी लिया है और पानी भी मैं आधा ही करके डालूंगी। और आधा पानी फिर से डालूंगी और इसे मैं आटा गूंथकर तैयार करूंगी। और ये बचा हुआ पानी भी मैं डाल लेती हूँ इसमें। थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है एक घूंट के आसपास। और इसका आटा हमें ना तो सॉफ्ट गूंदना है ना ज्यादा टाइट गूंदना है, मीडियम आटा रखना है हमें इसका। हमारा आटा तैयार हो चुका है। ये आटे के लिए हमारे पास एक चम्मच पानी बचा है। हमें आटा ज्यादा मलना नहीं है, इसे मैं ऐसे ही रख दूंगी। और इधर मैंने गैस पे घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं आटे को एक बार फिर से मल लूंगी। को बेल लेती हूँ आटे को। मैं इसे बेलूंगी। और इसे इस प्रकार से फोल्ड करूंगी और एक बार फिर फोल्ड करूंगी इसको। हमें इसी प्रकार से 3-4 बार फोल्ड करना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से बेलकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारा बेलकर तैयार हो चुका है। इसके किनारे को भी मैं अच्छे से थोड़ा सा और बेल दूंगी। बेलकर तैयार हो चुका है। ये देखो हमने इतनी मोटी लेयर ली है इसकी। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ चाकू की मदद से। और ये हमारे कटकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं अलग कर लेती हूँ। और ये हमारा घी गरम हो चुका है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है और ये मैं इसमें डालती जाऊंगी कढ़ाई के अंदर। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। से मिक्स कर दूंगी इसमें।
और ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने ये 500 ग्राम चीनी डाल दी है और साथ ही मैं इसमें ये आधी कटोरी पानी डाल दूंगी और चीनी की चाशनी बनने दूंगी इतना। और इधर ये हमारे अभी पकने लगे हैं, इन्हें हमें स्लो की गैस पे ही पकाना है जिससे कि ये अंदर से अच्छे से पक कर तैयार हो जाएं। और ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे खुर में फ्राई कर लूंगी। इधर हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, ये थोड़ी सी बची है, इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देती हूँ मैं चीनी को। और ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। और इधर हमारी चाशनी भी पककर तैयार हो चुकी है। और ये हमारे खुरमे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इधर हमारी चाशनी भी तैयार है, ये देखो इसमें से दो तारे बन रही हैं। और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी चाशनी वाली को और अब मैं इसके अंदर ये खुरमे डाल दूंगी और इसे गैस से नीचे उतार और इसको हम इसी प्रकार से हिलाते रहेंगे। और ये हमारी चाशनी ठंडी होती जाएगी और उसी प्रकार से ये खुरमे पे परत जमती जाएगी। इसे हमें हिलाते ही रहना है, बंद नहीं करना हिलाना इसे, नहीं तो ये जम जाएगा। देखो इस पे कोट चढ़ने लगी है। हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकालूंगी पहले। और ये हमारी पूरा बच गई है जो चीनी की है, इसे आप किसी चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड्डू बनाने में या किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे खुरमे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।